वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पॉक्सो एक्ट की गोष्ठी पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ तथा उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए कानून पॉक्सो क्रियान्वयन पर चर्चा की गई तथा एक्ट की विवेचनाओं को जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, पीछे से एक लड़का आ जाए, यहाँ पर कोई वर्किंग वाला, एक लड़का वर्किंग का इधर आए, लड़का की यहाँ क्यों लगी है भैया? इसलिए लगी है सर कि लड़का सर बाहर हैदराबाद कहीं भागे हुए हैं सर, ये 108 में सर 2 तारीख का डेट उसका काटे बोला कि 2 तारीख का वक्त था सर, तो 106 में क्या बन रही है? 106 में सर 4 रुपये में 4 भागे हैं सर और एंटीडेट की कार्रवाई हो गई सर, और 108 बाकी घोड़ा अंदर चिमान रात के टैंक फ्रॉम जो चाहिए हमसे लेंगे, पीड़िता को लाने के लिए कोई चीज़ चाहिए हमसे लेंगे। घूमना आपका काम है, 15 दिन बाद रिपोर्ट किया जाएगा, 26 तारीख है, 15 दिन होता है 10 जुलाई, शाहपुर से सोमा किया दो तारीख में 10 जुलाई और गिरफ्तार भी है, बस तारीख बताएं, तारीख अंतिम तिथि में डालूं उसी दिन आपको याद करेंगे, उन्होंने लिखा है 8 हो गई जहाँ भी हो गया, गोरखनाथ से शैलेश कुमार सीओ गोरखनाथ जी, जैसा कि आपको पता ही शासन और सरकार की नीतियों में पॉक्सो एक्ट जो है उसके संबंध में लगातार बल दिया जा रहा है, जिसमें छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं उनको लेकर आज मीटिंग थी। पूरे ज़िले में जो पेंडिंग केस हैं उनके आईओ उसको बुला करके उनको ब्रीफ करके समयबद्ध तरीके से मात्र उसमें 60 दिन के अंदर ही विवेचनाएँ पूर्ण हो जाएँ और अपराधियों को सजा मिल सके, इसके लिए प्रोसिक्यूशन ब्रांच के साथ ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के साथ ही हमारे सभी गजेटेड अफसरों और आईओ की मीटिंग रखी गई थी, जिससे कि इस तरह के केसों पर लगाम लगाई जा सके और जो हो गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए और उनको जल्दी से जल्दी न्यायालय में चार्जशीट किया जा सके।